बड़ा जंप स्केयर नहीं भाई कोई। ओह माय गॉड। हे फेलोज, बीज बॉय हियर एंड वेलकम बैक टू GTA रेसिडेंट इविल 8। आई एम प्लेइंग टू मेनी गेम्स भाई, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। तो इससे पहले कि हम किसी बॉस की गर्दन के पीछे जाएं, आई वांट टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट, क्योंकि अब इसने हमें ये ट्रेजर चेस्ट दे दी है और मुझे ये देखना है कि यहाँ पे क्या मिलेगा। क्या एक्सपेंसिव ट्रेजर्स मिलेंगी, क्योंकि अभी तो इसने रॉकेट लॉन्चर या ऐसा कुछ मेरे को दिखाया नहीं है। फाइंड सम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड ब्रिंग देम टू मी। व्हाट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स? अच्छा, ये कुक वगैरह कर सकते हैं फिर मेरे लिए, जैसे फिश वगैरह हो गया और ये सब। हेल्थ स्लाइटली इंक्रीजेस परमानेंटली, ओ माई गॉड दिस इज द बेस्ट। तो जितनी भी फिश मिलेंगी, क्रोस, जितने भी एनिमल्स, सबको मार देना है, किसी को नहीं छोड़ना है। कैरी ऑन, थैंक यू, नाउ टू कुक। लेट्स गेट कुकिंग। यार परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगी, ये तो अच्छा है। अरे मुझे भी तो दिखाओ, पीछे ही चल रहा है। आई'd लव फॉर यू टू एंजॉय एज़ वेल, नॉट अ बैड डिश। और गनस्मिथ पे ये दूसरी गन है अपने पास ना? यार ये दूसरी वाली जो मिली है वो ज्यादा अच्छा है आई थिंक। क्या नाम है इसका? M1911 और ये LEMI, क्योंकि इसका पावर 160 है लेवल 1 पे और इसे मैंने लेवल 2 कर रखा है, ये फिर भी 140 प्लस 30 है, फिर भी 170 हुआ। इसमें सिर्फ 7 बुलेट आ सकती हैं और पावर 10,000 पे बढ़ेगी। वाह। I've procured some new items for you, Mr. Winters. New items? इनमें से कोई कंबाइन होने वाला तो नहीं है ना? बस ये है वुडन एनिमल, बाकी सब बेच देते हैं। टॉल लेडी का क्रिस्टल 25,000 का है भाई, तो ये सब बेच देते हैं बस वुडन एनिमल को छोड़ के। Oh, Lady Dimitrescu, beautiful even in death, that waistline, yes, I look forward to seeing the fruits of your exploration. ये वो टॉल लेडी के क्रिस्टल से अराउज हो गया, बताओ। तो अभी अपने पास पैसे बहुत हैं, तो कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं यार। ये शॉटगन की पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉटगन तो वैसे भी हमेशा हमारे पास रहेगी। मैं सोच रहा हूँ ये इस वाली हैंडगन को भी बढ़ा लूँ। अब इस वाली हैंडगन को ऐसा करते हैं, बेच देते हैं और इस वाली को यूज़ करते हैं। इसमें भी तो यही बुलेट्स लगेंगी, 24,270 की, ये 25,000 की, सेम ही सा प्राइस है। इसे बेच देते हैं ऐसी की तैसी। डू टेक केयर सेलेक्टिंग योर वेपन्स। थोड़ी एपिकनेस करेंगे तभी तो मज़ा आएगा, अब इसे खरीद लेते हैं। इसकी पावर वगैरह बढ़ा के ये उससे भी अच्छी हैंडगन हो जाएगी, ये बेचना सही डिसीजन था आई थिंक। रेट ऑफ फायर भी बढ़ा लेते हैं, एमो कैपेसिटी भी। इट्स फाइन, ऑल फिनिश्ड। अभी भी 50,000 पड़े हैं मेरे पास। वाह, रीलोड स्पीड भी, देखा, न्यू हैंडगन मिल गई बिल्कुल परफेक्टली। ऐसा करते हैं शॉटगन की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं और रीलोड स्पीड भी बढ़ा लेते हैं, 7,000 की है बस। सब कुछ बढ़िया हो गया, स्नाइपर राइफल की भी बढ़ानी है क्या? 30,000 पड़े हैं अभी भी, दुनिया भर का पैसा। इसे ऐसा करते हैं शॉर्टकट पे लगा देते हैं, अभी हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं भाई। एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि इसमें रॉकेट लॉन्चर वगैरह है या नहीं, और ये हैंडगन टेस्ट करनी है मुझे कितनी स्ट्रांग है ये। रुको, सबसे पहले सामने, अरे मैं जा ही नहीं सकता, लेफ्ट जा सकता हूँ, पर उधर एक वो है ट्रेजर। इस विलेज में बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड हाउस हैं, बट आई थिंक ये स्टोरी के हिसाब से मेरे को न्यू घर में जाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि अभी तो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता। ये वाला घर बंद है और वही, इसके पार्ट वगैरह भी तो नहीं मिले हैं मुझे अभी। ये वेल व्हील, अच्छा, ट्रेजर, लॉक पिक, गिव मी दैट। वेट, मेरे पास एक ही बार है क्या ये ट्रेजर व्हील? बस ये भी लॉक पिक की तरह है? नहीं हैगा, नाइस। अगर मैं यहाँ से घूम के इधर से आता हूँ तो ये वाला गेट खुल जाएगा। वेट, ऐसा ही करते हैं, मैं इस साइड आया था क्या? आया हुआ हूँ आई थिंक। अभी हम इन घर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो क्यों ना करा जाए, अरे हाँ, यहाँ से आया तो था मैं। ये हॉर्स अभी भी जला पड़ा है, इसे कैसे छोड़ दिया मैंने? पर अभी इस घर में कोई होगा। ओ, ये गेट खुला किसी ने। ओ पिग मार देते हैं, क्योंकि फूड चाहिए अपने को। नाइस, गिव मी दैट मीट परमानेंटली।
बढ़ जाएगी मेरी हेल्थ। हालांकि इसमें पता नहीं चलता यार, ये वाला हेल्थ का तरीका दिखाने का बहुत बेकार है, इसमें पता ही नहीं चलता। जैसे रेजिडेंट ईविल 4 में वो गोल सा बार था ना, वैसे दिखानी चाहिए इन्हें हेल्थ, पता तो चले एटलीस्ट। ये वाला गेट हवा से खुला था क्या, या यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी है? ज़ॉम्बी टाइम। अबे यार आ जाओ भैया, आना है तो। सस्पेंस सा बना रखा है, क्या बुरी हालत हो रखी है। इसमें कुछ है, रेड हो रखा है। ओ ये लॉक पिक। ओए पाइप बॉम्ब नहीं शुभम। ओ भैया कौन बार बार गेट खोल रहा है? चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। स्नाइपर राइफल की 7 बुलेट्स भाई, वर्थ इट। ब्लू हो गया ये घर, आई एम हैप्पी, लेट्स गो। एक्सप्लोर करना फन है काफ़ी, तो अभी यहाँ से इधर जाके इधर चलते हैं, मेरे को वो ट्रेजर देखनी है। ओके यहाँ से राइट, यहाँ पे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, केयरफुल शुभम। यहाँ पे आ चुके हैं क्या हम? आई हैव नो आइडिया, हाँ आ चुके हैं। विलेज छोटी है ये, पर बार बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि आए हैं हम यहाँ या नहीं। यहाँ पे लेफ्ट साइड, हेलो न्यू जगह, यहाँ पे ट्रेजर भी है, ज़ॉम्बी भी होंगे। ओ भाई यार ये कितनी आवाज़ करते हैं ये लोग। हेलो धप्पा टाइम भाई, ये देखना कैसे बना रखे हैं, कोने कोने से हैं दुनिया भर के। ओ डर गया मैं, खमा ही खा। मैंने एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करी थी वहाँ पे, ब्लू हो गया ये, आई एम हैप्पी। आई थिंक ये जो डॉल मिली है इसे हम कंबाइन कर सकते हैं, बॉडी पार्ट ऑफ डॉल दैट्स बेस्ड ऑन द लोकल लेजेंड। ऑल राइट आवाज सी भी आ रही है, गोट है यहाँ। यहाँ पे कहीं शाइनी वगैरह कुछ नहीं है। ट्रेजर आई एम कमिंग, एक मिनट यहाँ पे क्या है। टू हूम इट मे कंसर्न, ड्यू टू द लदियर्स लॉन्ग एब्सेंस आई एम कीपिंग होल्ड ऑफ हिज हाउस की, प्लीज फाइंड मी इफ यू नीड इट। ओके ये लॉक है, गिटार है इस पे, तो गिटार की होगी कोई, लेकिन किसने लिखा है ये? बेनेवियंतोस गार्डनर। अरे ये गार्डनर कहाँ मिलेगा मुझे? ला भाई खुशी मिलने वाली थी मेरे को, लेकिन नहीं, सैडनेस। चक्कर ये है अभी बहुत सारी चीज़ें ना बंद पड़ी हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं ये वाला गेट खोल दूंगा तो फिर हम दूसरे हिस्से में जा पाएंगे विलेज के। यहाँ पे 4 विंग की लगेगी ना, वो मेरे पास है अभी। अरे इधर एक चेस्ट है भाई, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पहले, बहुत दूर ऊपर। इट विल बी वर्थ इट आई नो। इस चर्च में मैंने एक की मिस कर दी थी। वो ये कंप्यूटर था पहले यहाँ, चेंज हो गया यार हिसाब किताब। अराइव्ड एट साइट, नो साइन ऑफ EW और RW, इन्फिल्ट्रेटेड विलेज, एंगेज्ड विद नंबर्स ऑफ बायो वेपन्स, फाउंड एविडेंस ऑफ ईथन विंटर्स और रोज विंटर्स, मेरे को ढूंढा जा रहा है। एस्टैब्लिश्ड बेस इन चर्च, इनके बेस पे खड़ा हूँ मैं। सर्च लेबोरेटरी, एनालाइज मोल्ड सैंपल्स, इन्फिल्ट्रेट फैक्ट्री। इन्होंने चर्च अपना बेस बना दिया। यहाँ पे ट्रेजर थी एक कहीं पे, वही चीज़ मिस कर रहा था आई थिंक मैं। देखा मैंने कहा था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अभी ब्लू, नाइस। हेलो सोल्जर्स तो नहीं मिलेंगे मेरे को, कहीं गुद्दी चटका दे मेरी, वो वैम्पायर्स घूम रहे हैं। ओ क्रोज, ऑलवेज नाइस टू किल सम क्रोज। गिव मी दैट। ओ वैम्पायर्स घूम रहे हैं यहाँ। देखते हैं मेरे को सारे डीमंस भी हैं यहाँ, ये भी बहुत क्लोज आ जाते हैं फॉर नो रीजन। मर गया ना ये, बस मर क्यों नहीं रहा ये? ओह माय गॉड अभी मरा, दुनिया भर की बुलेट्स वेस्ट हो गई मेरी। तो ये इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्यों?
अच्छा वो बंदे मरे थे ना यहाँ पे बहुत, मे बी इस वजह से। गेट वेट खुल गया भाई, हेलो। अरे यहाँ पे भी वेल है। ओ ओ पेग, ओ भाई रुको। नाइस। आए हाय दुनिया भर के चमगादड़, ये बड़े कौए परेशान बहुत कर रहे हैं भाई। वेल कुछ ना कुछ प्रोवाइड ही करते हैं, तो मारना ही अच्छा है इन्हें। देखा 1000 मीट भी मिल गया, क्वालिटी वाला वो भी, और वेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब तो धड़ाधड़ चीज़ें मिल रही हैं मुझे। पाइप बॉम्ब मिले, ओके। यहाँ पे ट्रेजर है, लेट मी सी। अब बॉडीज वगैरह तो मिलने से रही। ओह गिव मी दैट। एक्सप्लोसिव राउंड्स, इसका मतलब मेरे को माइंड आर्ट मिल सकता है इन द फ्यूचर। यही थी मेरी ट्रेजर? नहीं। ओह ये रही, गिव मी दैट। लुइजाज नेकलेस, वेरी नाइस। ये ट्रेजर वाला, अच्छा हाँ चली गई, क्रॉस लग गया। ये वाला रेड हो रखा है, क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ अभी भी? रास्ता तो नहीं दिख रहा कोई। आई डोंट थिंक मैं अभी इस घर में जा सकता हूँ, ये क्लोज हो गया, मैंने पहले कोई छोड़ दिया होगा। दिस इज़ नाइस भाई, पूरा क्लियर कर दिया मैंने, पर ये एक्सप्लोर नहीं किया। एक मिनट, यहाँ पे एक जगह रह गई, ये वाली जगह। यप यप, ब्लू एंड वी आर हैप्पी। और ये इसमें भी कुछ रह गया है बेटा, एक एक चीज़ ले लूँगा, रेसिडेंट ईविल चूस जाऊँगा तेरे को। अरे यहाँ पे, ओ भाई मैं कह रहा किसी का नीचे वाला पार्ट रखा है बॉडी का। इधर भी कुछ ब्लू हो गया। यस आई एम हैप्पी, दिस इज फन भाई, सारी चीज़ें मिल रही हैं अब। यहाँ पे भी एक वेल है, इसे भी खोलना पड़ेगा। कुछ दंगा दुंगा हो नहीं रहा, सब शांत बैठे हैं। गोट का हेड, लेट्स कंबाइन, और आई थिंक फिर इसे बेच पाएंगे हम। यस वेरी वैल्यूएबल। पैसे की तो कमी नहीं है, रिमेंबर मैं स्टार्टिंग के एपिसोड में कितना रो रहा था पैसों को लेके कि यार पैसे ही नहीं दे रहे ये। अब तो पैसों की कमी ही नहीं है। मेरे पास एक लॉक पिक है, ओके ये वाला भी जो है ब्लू हो जाएगा, इसको भी खोल देते हैं। यहाँ पे है ना, इधर ये रहा। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हमें इधर उधर से मिलती हैं ना, ये बहुत हेल्प करती हैं ओवरऑल, लाइक बुलेट्स ज़्यादा होना या ये छोटे मोटे अपग्रेड्स मिलना, बहुत बढ़िया ये है। ब्रदर तू ये वुडन गोट ले ले 15,000 की। राइफल की दो दो अपडेट्स, वो 2500 का ब्लूप्रिंट मिल रहा है मुझे, लेट्स गो। ओके स्वे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत हिलता है तो ले लेते हैं। वेट व्हाट इज़ दिस? अरे लैमी बेच रहा है क्या अब मेरी गन? मेरे को ही वापस बेच रहा है, वो भी 27,000 में, देख रहे हो इस आरामखोर को। ओ नहीं 48,000 में बेच रहा है वो मेरी गन, मेरी को चिपका रहा है, और मेरे से खरीदी थी इसने 25,000 में। वाह बहुत हरामखोर है भाई ड्यूक तू। अभी अपने पास क्या कहते हैं, अच्छा हर्ब्ड फिश इन इंग्रेडिएंट्स से बनती है, समझा। अभी जो ये वाली साइड है ये भी विलेज के एक दूसरे पार्ट में जा रही है, लेट मी सी कहाँ जाती है। द की वॉन्ट फिट, यार ये फोर विंग्ड की तो है, फिट होनी चाहिए भाई। फोर विंग्ड अनबॉर्न की, अच्छा तो फोर विंग्ड की यहाँ पे फिट होगी, तो वी हैव नो अदर चॉइस बट टू गो दिस साइड। ड्रॉ ब्रिज है आई थिंक, यहाँ के लिए मेरे पास व्हील है, मेरे को मिला था ना। मैं माइन बना सकता हूँ, मेरे को शॉटगन शेल्स बनाने चाहिए जितने हो सके। मेरे पास इतनी बुलेट्स हैं ना भाई, देख रहे हो 940 617। हमें काम करते हैं उस ड्रॉ ब्रिज पे चलते हैं, देखते हैं क्या ये व्हील मैं उधर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उस ब्रिज के दूसरी साइड कुछ मिलेगा मे बी, लेट मी सी। नहीं ये तो वेल व्हील है, ये फिट ही नहीं होगा यहाँ। दिस नीड्स सम अदर आइटम। ओह नेकलेस विद की, वेट की है इसमें,
वाह भाई, क्या की मिली है मेरे को ये, लुइसास की। ओके, दिस नीड्स सम काइंड ऑफ अदर आइटम। ओ भाई पता नहीं क्या हो रहा है, पर ओके। तो इस ब्रिज पे हम अभी नहीं जा सकते, आई थिंक मेरे को वो बोट लेके कहीं निकलना पड़ेगा। ये फिर बाद की स्टोरी के लिए है। तो मुझे लगा था अपने नेक्स्ट बॉस को मैं चुन सकता हूँ, पर नहीं, इन्होंने ये गेम ही इस तरीके से बनाई हुई है कि मेरे को इधर ही जाना पड़ेगा। तो आई गेस हम डॉल के पास जा रहे हैं अभी। इधर भी काफ़ी ट्रेजर है भाई, बहुत ट्रेजर्स हैं। लेट्स गो गाइज, नए हिस्से में जा रहे हैं हम। दिस इज़ गोइंग टू बी फन। अरे बहुत ही डार्क हिस्सा है ये तो। सही जा रहे हैं ना हम। ओ भाई साहब, फॉगी, और मेरा क्रो उड़ गया, मुझे मारना था उसे। दुनिया भर की डॉल्स टांग रखी हैं। क्रीपी क्रीपी। अरे यार सारे क्रो तो उड़ जाते हैं। नहीं, ये वैम्पायर्स थे आई थिंक, या बड़े क्रोज थे ये। दो रास्ते बने हुए हैं, पहले मैं इधर जाना चाहूंगा। थैंक यू। क्रोज दिखे तो पेल पाल दूंगा मैं। अबे घूम घाम के वहीं आ गए, फायदा क्या हुआ। ऑल राइट, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, पर आई होप कोई धप्पा नहीं करेगा। बाप रे, ये बेबी की डेथ दिखाई हुई है मेरे को। ये रोज़ को, ओ रोज़ की यादों में ले जाना चाहते हैं मुझे ये। तो ये ब्रिज जाएगा उस डॉल वाली कैसल पे। स्केरी, पर करना तो पड़ेगा। धप्पापंती होगी इस ब्रिज पे कोई। अबे ब्रिज हिला रहे हो तुम तो, मुझे लगा और एपिकली डराते। कितने सारे ब्रिज हैं। डॉल, हेलो। हाय, मिया। तो ये हेलुसिनेट कर सकती है। ईथन, कम विद मी, देयर इज समथिंग आई हैव टू टेल यू। मिया, या व्हाट्स गोइंग ऑन। इल्यूजंस दिखा सकती है ये डॉल। एपिक। क्या क्रीपी कैसल्स भाई, उनको खुद नहीं डर लगता होगा हैं। लॉक पड़ा है। रोज फील्स डिफरेंट। ईथन, यू हैव टू फिक्स हर। ओ तो ये बताना चाह रही थी। एवरीवन लीव्स मी, इवन रोज। मेमोरीज, आई डोंट वांट टू बी अलोन। दिस कांट बी रियल। अबे तुम लोगों ने बैठ के बात क्यों नहीं करी भाई, जब ऐसे पंगे हो रहे थे तो बात करनी चाहिए थी ना, सॉल्यूशन अपने आप निकलता। कहाँ आ गए हम ये, दिस इज स्केरी भाई। हेलो बेनिवियंटो, 1987 to 1996। अरे यही तो है वो गार्डनर, यही मेरे को की प्रोवाइड करेगा उस की। नहीं ब्रदर, डोंट वरी। लुइजास की नहीं, फोर विंग्ड की नहीं। यहाँ पे क्या है बे। सो यहाँ पे ट्रेजर है। अच्छा तो मैं कैसे, क्या कुछ भी नहीं कर सकता अभी, तो ट्रेजर ही आई है, हमें तो यहाँ जाना है ना अंदर। तो क्या मेरे को फ्लास्क दिखाना है, क्या चीज़ है ये। गिव अप योर मेमोरीज। आ फैमिली फोटो, नहीं, फैमिली फोटो इज द की। आई एम सो सैड, एक ही तो फोटो थी मेरे पास। What's going on? What is going on? Ooh, ये गेट की चू आवाज और निकाल दो ताकि मैं डर जाऊं। है एलिवेटर पे जा रहे हैं हम, लेट्स गो। डॉल की कैसल में आ गए। एक डॉल कितनी डरावनी हो सकती है, आई डोंट नो, पता चलेगा हमें। हाँ ये बस ये ड्रामा पंती कर लो पहले, लाइट बुझाना जलाना। ओके एनीथिंग, कम विद मी ईथन। वेरी नाइस, अगर तू यहाँ पे आ सकती थी तो यहीं बैठ जाती, बैठ के बात करते भाई। क्रीपी बनने की पूरी कोशिश कर रही है वो ड्रामी यार। ये केव्स ना मुझे सच में वो नहीं, मैं RE4 की बात करूंगा ही नहीं जब उस गेम को खेलेंगे ना। वाओ भाई, इसकी तो छोटी सी कैसल है, गरीब है तू है, चारों बॉसेस में सबसे कम पैसा देते हैं वो तेरे को।
आई थिंक हम सीधा बॉस फाइट के पास जा रहे हैं मे बी. हाउस बेनिवेंटो मेन कैसल इसकी उधर है आई थिंक. ओ भाई वॉटरफॉल ही वॉटरफॉल. लेट्स गो इन द हाउस. भाई इथन में कितनी हिम्मत है भाई. हाउस तो काफी डिसेंट सा लग रहा है. ओ वाओ भाई कितना क्लीन हाउस है. हेलो इधर जा ही नहीं सकते हम. डॉल ये इसका मालिक मालकिन. बूम. ओ नहीं कर सकते हम इधर. हेलो कोई मिलेगा कुछ कहेगा. अकेला अकेला सा फील हो रहा है मुझे यहाँ. ओ कुछ है यहाँ नहीं. अच्छा क्लोज के लिए था. देखा एक डिसेंट से हाउस को भी कितना क्रीपी बना सकते हैं कोई भी हरकत ना करके. लाइक कोई आवाज़ ही नहीं आ रही भाई. कोई है यहाँ. व्हाट इज़ दिस. कोई प्लांट है मे बी आई डोंट नो. इस कमरे में जाते हैं. हेलो धप्पा पंती नहीं प्लीज़. अरे भाई क्या क्रीपी जगहें. तोड़ो इसे. नहीं तोड़ सकते. वेरी नाइस. मुझे डर लग रहा है एक्चुअल में जब पता ना हो ना कि आने वाला है तो हालत ख़राब रहती है. और रेजिडेंट ईविल में जंप स्केयर्स भी ऐसे ही डालते हैं. ला भाई खाली खाली दे रहे हो सब तम भी. इधर बंद पड़ा है. सो वी हैव टू गो हेयर. कितनी लिफ्ट लेने वाला हूँ वैसे मैं. ओह तो इन्होंने हाइट के हिसाब से इस घर को लंबा चौड़ा बनाया है. हम वापस बेसमेंट में जा रहे हैं भाई. हम एक फ्लोर नीचे जा रहे हैं. गॉट इट. नई जगह डेफिनेटली. भाई जब तक ये शांत रहेगा ना जब तक मेरी फटती रहेगी क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. फिल्म. मैं किसी और के घर में विदाउट परमिशन घूम रहा हूँ. आई डोंट लाइक इट. ओह Alkaloids of mountainous plants. अरे ये प्लांट प्लांट का चक्कर है. ये डॉल और प्लांट इसी टाइप का कोई विलन आएगा. ओ अरे भाई दूर से ही. हेलो आई एम स्केर्ड भाई. अरे डॉल डाल एक बार आके भाई धप्पा कर दे मुझे फिर मैं एटलीस्ट खुश हो जाऊंगा कि हाँ चलो भाई और कुछ नहीं हो सकता. देखना कितना बड़ा घर है इसका. बंद कर रखा ये भी. आई एम रेडी टू आ बस. लिटरली कोई नहीं है. इतना बड़ा घर क्यों बना रखा फिर ये. ये दीवार विवार तो नहीं तोड़ेंगे. डर लग रहा है मुझे. साउंड आई. ओह क्या इंडियन फ्लूट. ऑल राइट फ्लास्क मिल गया. अच्छा नहीं मैं वही कह रहा. इतनी आसानी से कहाँ ही फ्लास्क दे दी. ओके इसकी वॉइस इतनी डरावनी नहीं है. नो प्रॉब्लम. वेट व्हेयर इज माय गन. व्हाट तेरी गन ले गई वो. क्या कर रहा तू. एस अ की. वेरी नाइस. ये मैंने क्यों उठेगी वगैरह तो नहीं ना भाई. देखो ऐसे ड्रामे पंती नहीं चाहिए. ये इस तरीके से याद दिला रहे हैं कि लाइक तू अपनी वाइफ को वो कर रहा है. रिंग भी है. वाह ना भाई फंसी पड़ी है ये तो. ये रिंग मियाँ की है. ब्लड कवर्ड रिंग. द बैंडेजेस आर टू टफ. यू नीड समथिंग टू कट देम. ओके सो आई गेस उसने वो फ्लास्क इसमें डाल दिया और मेरे को चीज़ें इकट्ठा करनी है. पहले देखते हैं और कुछ कर सकते हैं.
इधर लेट्स सी जो जो चीजें मिल रही हैं अच्छा है। कीज के हिस्से मिल रहे हैं मेरे को। ओह मिया ही है ये, मिया की एक डुप्लीकेट मैनिक्विन। इज दिस अ डॉल ऑफ मिया? वही माउथ। लेट्स सी ओह समथिंग कुछ तो है। वाइंडिंग नहीं, देयर समथिंग इन इट्स माउथ बट यू नीड सम काइंड ऑफ टूल टू गेट इट। टूल्स चाहिए मेरे को। ओ यहाँ पे ये की लगेगी। लेट्स गो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई पूरा हॉस्पिटल ही बना रखा है इन्होंने तो। डॉल तो इतनी डरावनी लग नहीं रही वैसे। अब देखो भाई आगे के जंप स्केयर्स बताएंगे क्या सीन है। क्या वॉट रिंग धो देते हैं पहले तो। क्या सीन है? वेडिंग रिंग। ऑलराइट तो क्या इसमें कुछ है? 052911 कोड मिला कहीं का तो। लॉक्ड फ्रॉम द अदर साइड। अरे ये तो वैसा ही रूम है। एक मिनट यहीं से तो हम आए थे, अब इसने इस पे लॉक भी लगा दिया। भाई ये भी कार्टून पंती दिखा रहे हैं पूरी। 052911 डन। वाह इसी गेट को खोलने के लिए दोबारा मेरे को कोड यूज़ करना पड़ा। पहले इधर जाते हैं। इधर क्या है? लेट्स सी इधर भी एक डोर है। अच्छा और इसमें कुछ लगेगा। सो इस गेट पे हम डेफिनेटली अभी नहीं जा सकते। मेरे पास गन भी नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। वाह तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये जंप स्केयर्स देंगे, लड़ने की बारी नहीं आएगी आई थिंक। अभी तो बस चलते हैं तेजी नाल। ओ ज़रूर थैंक यू फॉर ओपनिंग द गेट फॉर मी। अच्छा तो ये जो डॉल वाला हिस्सा है ये पूरा पज़ल वाला है सीन सारा। समझ गया मैं, कुछ भी नहीं इधर। नहीं अबे मैं जंप स्केयर के लिए तैयार हूं, तुम दो तो सही। इधर सिल्वर की। अच्छा इसे वाइंड करना होगा आई थिंक। यप अबे अब ये क्या सीन है? स्वैप सिलेंडर्स। ओके समथिंग्स नॉट राइट। मुझे सिलेंडर स्वैप करने हैं। हाँ आई थिंक ये वाला यहाँ लगेगा, ये वाला यहाँ नहीं। अबे पता कैसे चलेगा कौन सा वाला कहाँ लगेगा? ये तरेड़ों की वजह से। ओके आई थिंक फिक्स कर दिया हमने, सारी तरेड़ एकदम लाइन में है। अब प्ले करते हैं। व्हाट अभी भी नहीं? ओ अभी कुछ लग रहा है ना, हो गया क्या? यस पता नहीं कैसे करा पर हो गया। वो तरेड़े ही मैच करनी थी। चलो भाई ये पजल्स वाला ही सीन है सारा। ट्वीजर्स, इससे मैं वो निकाल पाऊंगा। अच्छा तो ये इधर उधर भगाते रहेंगे और इस बीच मेरे को जंप स्केयर्स देते रहेंगे। राइट दैट्स देयर प्लान। आई एम 100% श्योर अभी कुछ होगा, अभी कुछ जंप स्केयर आएगा। आई एम रेडी। या मुझे लग ही रहा था कुछ तो होगा पर इतना बढ़िया नहीं था, वो ठीक ठाक ही था। तो अभी ट्वीजर्स से मैं वो निकाल सकता हूँ। ट्वीजर्स गिमी दैट। फिल्म और धप्पा पंती भी। अबे कहाँ चल रहे है? फिल्म रूम इधर है। व्हाट हमने फिल्म रूम पीछे देखा था ना आई थिंक।
ईथन सैड भाई, ये मियाँ को लेके बना रखी है ये डॉल वाली स्टोरी सारी की सारी। मेरे को पता था ये हॉल्स इतने लंबे बना रखे हैं, इनके साथ तो ज़रूर खेलेंगे ये, मुझे पहले ही पता था ये चीज़, इसीलिए मैं रेडी भी था थोड़ा सा डरने के लिए। ओए भाई बंद कर दिया ये तो, इसमें चाबी लगेगी अब। आ ये रहा ना, आर हैप्पी फैमिली, रोज़ इज़ बेस्ट फ्रेंड इन द होल वाइड वर्ल्ड, शी रियली लाइक्स दिस फेरी टेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड टू अस, अ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडमा, प्रूफ ऑफ ईथन्स एवर लास्टिंग लव फॉर मी। तो ये इस फिल्म में है ये बताना चाह रहा है। अच्छा ये पजल भाई, देखा कितनी मैं कह रहा था ये डॉल वाला सीन सारा पजल वाला कर रखा है। तो रोज का फ्रेंड, फेरी टेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड टू अस। ओके तो रोज का फ्रेंड तो जो है ये इधर आएगा, फेरी टेल इसकी इधर आएगी फेवरेट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इनकी रोज है बेटी। अ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडमा, प्रूफ ऑफ ईथन्स एवरलास्टिंग लव, आई थिंक ठीक है। तो वेडिंग जो रिंग है वो ग्रैंडमा की होगी और ये एवरलास्टिंग लव। लेट्स गो, लुक्स लाइक इट्स नॉट इन द राइट ऑर्डर, व्हाट? तो अच्छा तो ये ग्रैंडमा का गिफ्ट है और एवरलास्टिंग लव ये वेडिंग रिंग। या अरे तो वही वाली स्टोरी है शायद। Wait, well, okay, ये बेबी का क्रिप देख के तो हमेशा ग्रैनी की वाइब्स आती है मेरे को। सो क्या ये वो दिखा रहा है क्या मेरे को, वेल में जाना है? डर गए भाई, डर गए। शोर मचा लो पहले, डर गए हम तो। अच्छा इसमें कुछ है, ब्लू हो रखा है वैसे तो। सो आई गेस दिस इज द राइट वे नाउ। ओ माई गॉड कितनी सारी डॉल्स भाई, ये डॉल्स को क्रीपी बनाना नहीं छोड़ोगे तुम लोग? हाँ व्हाट इज दिस, सिजर्स, और इधर सिजर्स। यप हेलो, न्यू जगह, आई लाइक इट। फोन भी है, गोल गोल घुमा रखा भाई। इसमें फ़ोन करेंगे बाद में ये धप्पा करने के लिए। यार ये दीवारें इस तरीके से बना रखी है इन लोगों ने कि मेरे को बार बार फीलिंग आ रही है कोई दीवार तोड़ के आएगा। वाओ वेरी नाइस। प्लीज ईथन लिसन टू मी, आई डिडंट वांट टू कीप इट फ्रॉम यू। मिया, आई डिडंट वांट टू लूज यू अगेन, आई डिडंट वांट टू डिस्ट्रॉय दिस फैमिली। तो इसने छुपा के रखा इसका सीक्रेट। I had to do it, what? किसी ने तेरे को ऑफर दिया था कि हम तेरी बेटी को फिक्स कर देंगे? Something like that? Oh, new room, I like it. Nope, इसमें पजल लगेगी। और ये आ गए हम फिर से मेडिसिन रूम में, वेरी नाइस। वेट, अच्छा मैं वही कह रहा, मैं कहा भाई जा क्यों नहीं पा रहा मैं। वो क्या हुआ, कुछ टूटा ना? अभी तक इन्होंने कितनी डराने की कोशिश करी है इन आवाज़ों से, पर कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। अच्छा अब मेरे पास सीजर है। हाँ ऑल राइट, दिल, दिल में है एक मेडालियन। कहाँ? रोज। अच्छा ये स्पीकर्स हैं क्या? नहीं भाई, कहाँ से आती है ये आवाज? स्पीकर्स लगा रखे हैं तूने? तो आई थिंक ये मेडालियन अब मैं इधर लगा सकता हूँ इस वाले डोर पे, एंड वी कैन कंटिन्यू दिस। ओके आई थिंक इसकी पजल इसमें होगी, इसमें तीन आँख है राइट हैंड में। गॉट इट, तीन आँखें क्लोज्ड, रख दे भाई। और मुझे और कुछ भी मिला था क्या? नहीं।
आंख में कुछ है. ओके तो इसमें क्या है, ये बड़ा क्रो है तो क्रो और तीन आंखें बंद. दिस शुड बी इजी भाई. तीन आंखें बंद चाहिए मेरे को. नाइस. इसमें क्रो चाहिए मेरे को, यही वाला. आ नाइस, वी आर गुड टू गो. अरे ये तो वही फील दे रहा है मियाँ. फिर से वैसे ही आने वाली है कि तू जैसे रेजिडेंट ईविल 7 में आई थी. अभी तो तू मर चुकी है पर आई एम स्टिल स्केयर्ड. पीछे कोई है क्या? आवाज़ हो रही है फालतू में. आई एम स्केयर्ड भाई, दुनिया भर का अंधेरा कर रखा है. आई डोंट लाइक इट. अंधेरा. अच्छा ओ ये वेल है. अच्छा फ्यूचर दिखाया मेरे को तुमने, वेरी नाइस. कहाँ पे हैं हम? ओल्ड वेल में. बेबी क्रिब. ओके लेट्स गो इनसाइड. ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं ये. क्यों कर रहा हूँ मैं अपने साथ ये. क्यों जा रहा हूँ मैं इतना नीचे अपनी बेटी के. ओ माय गॉड नहीं. ब्रेकर बॉक्स की. दिस इज वेरी स्केरी भाई. अब या आई न्यू इट एक्चुअली, मेरे को पता था. ओए बेबी. अरे क्रिब तोड़ दिया रे. बेबी की आवाज आ रही है दुनिया भर की. आई एम स्केयर्ड. लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो वी गो अप. कोई ना उत्तर बालक. अरे रोज कोई ना बेटी. आ रहा हूँ मैं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हेयर. ओ व्हाट. अच्छा ओ भाई ये क्या पूरा सीन चेंज कर दिया इन्होंने तो. मेरा सेव बटन. जब तक मेरा सेव बटन यहाँ पे है आई एम नॉट स्केयर्ड. अच्छा इस रेडियो पे बार बार आती थी आवाज़. अच्छा मैनी क्विन तो गई. It'll be fine. Okay. Okay. पूरी डराने शराने की कोशिश. आई मीन ये कोशिश तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं पर वही है भाई, हम डरने वालों में से ना है. ब्लड फॉलो करो शुभम. ब्लड. ओए ब्लड नहीं, ये उसकी आतड़ी फातड़ी भी निकाल दी. स्केरी डॉल जी, डर लग रहा है मुझे. ओ माय फकिंग गॉड, व्हाट द फक आर यू? व्हाट इज दिस? बहुत बड़ा मुंह है तेरा. नहीं बेबी. आई अगली बेबी. आओ मुझे भागना था. व्हाट इज दैट भाई? अगली बेबी. चेस सीन दे रखा है भाई इसमें भी. अगली बेबी रन. आई हाय क्या गंदी आवाज कर रहा है. सो अभी कहाँ जाऊँ मैं? आ रहा है क्या वो? आई हैव नो आइडिया मेरे को कहाँ जाना है. इधर मे बी. यप. स्केरी. ओ मुझे उससे हाइड होना है आई थिंक. आई अंडरस्टैंड, इन्होंने ये चेस सीन टाइप बना रखा है. मेरे पास इसकी ब्रेकर बॉक्स की अ की फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वेल. ओ दिस इज स्केरी भाई. अरे डॉल्स ऐसे बिठा रखी हैं, पहले भी ऐसी था क्या ये? आई डोंट रिमेम्बर. ओ माई गॉड व्हाट द फक. क्यों इतनी साउंड हो रही है? क्या हो रहा है? क्या गलती हो गई मेरे से? ओ इधर लेट्स गो. इसकी की मिली है मुझे. आई एम गेटिंग द एफ आउट ऑफ हेयर ब्रदर. ओ गिव मी दैट, वेरी नाइस. एंड क्या? You can't get it working without a fuse. Oopsie doopsie. अच्छा मेरे पास अभी वो है तो मैं वहां जा सकता हूँ ना. कहाँ पे गया वो रास्ता? Here it is. इधर से दप्पा करने तो नहीं आ जाएगा वो दोबारा वो बालक. Hello बालक baby. वो यहाँ से स्लाइड होके गया है वो. What the hell? अगली बच्चा. अरे डॉली डॉल यहाँ पे है, ये डराएगी मुझे. आई जस्ट नो तू डराएगी मुझे. ये रहा. अबे नहीं ये नहीं, दप्पा करेगी अभी ये देखना उठ के. लेट्स गो. ओ दप्पा नहीं करा उसने, वेरी नाइस. वो अगली बच्चा तो पीछे नहीं पड़ा हुआ ना मेरे. न्यू जगह.
वेरी नाइस। आई मीन ये लोगों ने डराने की कोशिश करी पर जंप स्केयर नहीं दिया मुझे। यार ये पुराना घर है ना हमारा, रेजिडेंट इविल 7 में जो था वही वाइब्स आ रही है मुझे तो। बेडरूम, इसमें कुछ है। इधर, गिव मी दैट। ओह माय गॉड, स्कैरी टाइम। ओह यहाँ पे कुछ है। व्हाट व्हाट, मैं बेड के नीचे छुप सकता हूँ, इसका मतलब वो बेबी अंधेरे में घूमता है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकल के पूरा घूम के किचन विचन से घूम गांव के यहाँ जाना है। स्कैरी है भाई, अंधेरे में अगर वो बेबी दोबारा आएगा तो स्कैरी है। हेलो, समवन हियर, कौन है यहाँ पे, कौन धप्पापंती कर रहा है? मेरे को दिल कैड़ा रखना पड़ेगा भाई, मेरी हालत खराब हो जाएगी। बड़ा जंप स्केयर नहीं भाई कोई। ओह माय गॉड, स्कैरी बेबी, अगली बेबी, आई हेट हिम यार, बहुत डब। सो आई गेस मेरे को इधर जाना है। मम्मा मम्मा कर रहा है वो, ओह माय गॉड। दादा, तेरा दादा ना आया, मर गया वो पैस की बालक। बेबी, अरे इधर ही जाना है मुझे, नीचे ही, मेरे को छुपना है उससे। आई थिंक अगली, यू अगली, वेरी अगली। अरे हे थूका था, की कर रहे हो? मैं निकल जाऊं क्या, भाग जाऊं क्या? दिस इज माई चांस टू रन। सॉरी अगली बेबी, आई हेट यू। वो जंप स्केयर स्केरी था भाई, अब वो तेजी नाल तो नहीं भागेगा ना, ऐसे ड्रम में पंती नहीं चलेगी भाई। आई हेट यू। ओह माय गॉड, ऑलराइट, थोड़ा सा सांस लेने दो। वी हैव द सेव हियर, हम सेव करते हैं एंड देन यहां से कट लेंगे पूरा गोल घूम के। स्केरी बालक भाई, ओह व्हाट, मैं सेव नहीं कर सकता? अरे नहीं, सेव इधर है शुभम। ओ भाई, बालक ने डरा दिया रे, दोबारा आएगा क्या? रुको, इधर ही जाना है ना मुझे। हाँ अभी मैं दोबारा उस एलिवेटर पे जा रहा हूँ, दोबारा तो नहीं आएगा बालक। डोंट यू डेयर कम अगेन, वरना गुद्दी चटका दी जाएगी बे। लेट्स गो। ओ माय गॉड, द बालक इज कमिंग अगेन। Oh no! I hate you! I hate you, बालक, I hate you! बाबा बोल रहा है वो। नहीं भागो! Oh my God! अबे ये एलिवेटर की डोर खुलने की आवाज क्यों नहीं आई? वो उस डोर को खुलने की आवाज क्यों नहीं आई? I hate it! भाई मैं कह रहा, मैंने कहा शायद ये भाई चला जाएगा अपने आप, रुक गया है, पर नहीं, उसने मेरे को टाइम दिया कि तू बैठ जा, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, वो दरवाजा खुल गया है भाई मेरे लिए। स्कैरी भाई। ये बेबी भी मानना ही ना, दिमाग खराब कर रहा है। कितना अगली है तू, ये जा क्यों नहीं रहा पीछे? बंद कर दिया मैंने, लेट्स गो। अल्ले अल्ले अल्ले, ओ भाई क्या फनी बालक, अगली पर, बहुत अगली, गंदा एकदम, गंदीला सड़ा हुआ। मजा आया भाई, सही था, आई मीन ये डिसेंट था लास्ट में जो भी। ओ माई गॉड, अभी भी अच्छा वो डॉल, इसकी माँ की, ये तो बंद पड़ा है। अबे डॉल हंस रही है क्या ये वाली? What the hell? फिर से स्टोरी टाइम। ये अच्छा है कि विदाउट गन्स इन्होंने कितना कुछ लाइक डाल रखा है गेम में। Don't leave. I can't let you. What? You're still alive. Before my friends murder you. Before my friends murder you. You're like son alive. Wait.
My life's on the line. Scary. Oh, before my friends murder you, तो क्या वो पीछे पड़े रहेंगे मेरे? यहाँ पे ब्लू है ना ये? पहले ये बताओ मुझे तुम, हाँ ब्लू है. क्या सीन है इसके फ्रेंड्स का? धप्पा पंती करेंगे भाई ये. हेलो, इधर कोई है? नहीं. आई थिंक मेरे को ऊपर जाना है. मैं भी क्रीपी बन सकता हूँ अगर मैं हंसने लग गया तो. ठीक है भाई, डरा दिया. ओ इधर, लेट्स गो. इधर आई फाइंड फाउंड यू. What? Fucking monster. Ow. Oh, so इससे पहले कि इसके फ्रेंड थोड़े बावले से हो जाए, मुझे बार बार उसे ढूंढना होगा. हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. हम भाई दुनिया भर की डॉल्स हैं यार. Where are you? इधर. ओ भाई साहब, जहां पे ब्लड है. फॉलो द ब्लड शुभम, फॉलो द ब्लड. अबे कैसे दांत खिलखिला रहे हैं ये? ये जो हिल रहे हैं ना, आई थिंक मेरे को ढूंढना पड़ेगा जल्दी उसे. आई हैव नो आइडिया पर कहां पे गई वो. अरे पागल हो रहे हैं, धप्पा करेंगे मुझे. नहीं, लीव मी अलोन भाई. अरे चबो दिए रे. ओ एक और चांस दे रहे हैं मुझे. वेरी नाइस, ओके. पर वो है कहाँ? मिल ही नहीं रही भाई, छुप गई है. इतनी सारी डॉल्स हैं. एक तो फिर से हिलने लगे. इधर है क्या? ओ ये री. You do this to Rose too? मैं गुट्टी नहीं पी सकता क्या अपनी? मेरे पास है ही नहीं ना वो गुट्टी. All right, Yeri. Sure. Pale the mask. Cut the gardan. Stupid idiot. What are you doing to my cute friends? Gardan, cut the gardan. Ah, satisfaction. Satisfaction. भाई इस पूरे एपिसोड में वो बेस्ट पार्ट मुझे वो बेबी वाला लगा है. ओह माय गॉड, हु आर यू? दैट्स इट. ओवर. नो वे, दैट्स इट. ये बॉस थी? आर यू सीरियस? मिया, वी मेक थिंग्स राइट. सबसे घटिया और वीक बॉस भाई. ओ फ्लास्क मिल गया मुझे. बट आई रियली लाइक्ड कि कैसे इन्होंने इस चीज को बहुत डिफरेंट रखा है. लाइक नो गन और एनीथिंग. अबे क्या है इसमें? खोलना है क्या ये? सो दैट्स हु इज बिहाइंड ऑल दिस. रिकवर्ड लॉस्ट बिलोंगिंग्स. ओह गिव मी द डॉल. बहुत ही महंगी बिकेगी ये. यहाँ पे और कुछ भी है? लेट मी फाइंड. यार इन्होंने बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करा इसे. Like without any weapons, जो jump scares थे वो भी decent थे. Especially वो ugly baby वाला part, वो तो best था भाई. मैं यहाँ पे क्या miss कर रहा हूँ? Oh, maybe flask उठाते हैं. That makes two. Very nice. तो एक एक boss को हम खत्म करते रहेंगे and then last में वो mother Miranda की गुद्दी चटकाएंगे. Oh हाँ, blue हो गया. Let's go. We are getting out. अरे भाई इतनी स्पीड में कैसे? स्पीड बढ़ गई मेरी. फन था यार ये डॉल वाला पार्ट, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा. लाइक बहुत जल्दी खत्म हो गया ना. ओहो अंधेरा ही अंधेरा. कम टू मी इथन लिखा था ना उसने, चटका दी ना खुद दी.
यार बॉस फाइट में मजा नहीं आया, पर ये जो बॉस फाइट थी ये क्या थी? ये तो टाइम पास था। लाइक अगर चलो ढूंढना भी था तो इसे टफ तो बनाते थोड़ा। तीन बारी में ही मर गई वो, या तो चार पांच बारी रखते और हार्ड बना देते, जल्दी जल्दी वो दौड़ तुम्हारे पीछे आती, वो भी फन होता काफी। ये भी फन था स्टिल, आई मीन न्यू बॉसेस न्यू एक्सपीरियंस तो हमेशा फन रहते हैं राइट। अब मेरे को ये ट्रेजर मिलेगी क्या? इन्होंने स्टार्टिंग तो लाइक इस पार्ट की ऐसे दी थी कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। मुझे क्या यूज़ करना है यहाँ पे? आई डोंट थिंक मैं अभी यहाँ पे कुछ यूज़ कर सकता हूँ। पहले तो गुट्टी यूज़ करते हैं, मेरी हेल्थ कैसे तैसी हो रखी है। आई थिंक इसका पार्ट मुझे बाद में कभी मिलेगा, तो अभी वापस चलते हैं। जब बाद में कभी मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। ट्रेजर तो बाद में भी ली जा सकती है। वो इधर कोई है, लेट मी सी कौन है यहाँ। ये घर अनएक्सप्लोर्ड है। काफी डिफरेंट। ओ माई गॉड व्हाट इज दैट? ओ श्योर ब्रदर। अभी ये क्या है? ओ टाइम पास ज़ॉम्बी, मैंने तुम्हें डेड बॉडी समझा था। अबे एस होल्स भाई, तुझे लगा चल। अबे तुम डराओगे मुझे, तुम्हारी औकात। ओ माई गॉड औकात क्या है तुम्हारी? तू जिंदा कैसे है ब्रदर? हाउ आर यू स्टिल अलाइव? नाइस लूट मिल गई। वो जो शॉटगन मिस हुआ ना, वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। मैं हमेशा उस एक बुलेट के लिए सैड रहूंगा। अरे मे बी इधर से मिलेगा मुझे कुछ। सन एंड मून बॉल, वाओ। ये फिर से मर्चेंट वाला सीन है आई थिंक। घर में जाओ प्लीज, डोंट जंप स्केयर मी। कहाँ पे? कहाँ मैं कहाँ? ओए न्यू शॉटगन, आई लाइक इट गिव मी दैट। ओह माय गॉड सही में? रुको 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 रुको, अभी एडजस्ट करते हैं इस चीज़ को। ज़्यादा ज़ॉम्बीज है क्या? आन दो इन्हें। तू मरा कैसे नहीं ब्रो अभी भी? That is just not fair. आ जाओ रे, एक और है ना। क्या कर रहा है तू ड्रामे? शॉटगन से भी मर नहीं रहे हैं अब ये। रुको यार, थोड़ी सी जगह बना सकते हैं आई थिंक हम। वेट ये क्या कुक्ड मीट है ये? तो फिर ये क्या चीज है? ओ ये क्वालिटी मीट है यार। इसको यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ पे। आई थिंक अभी भी नहीं आ सकती। नहीं इनको मैं कमाई नहीं कर सकता। नहीं आई थिंक हम यहाँ वापस आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेने वापस। ओह माय गॉड व्हाट द फक, जमीन में से निकल रहा है बंदा, बताओ। एक्चुअल ज़ॉम्बीज भाई। ओ भाई डरा दिया रे। ओ वेट ये कौन सा रास्ता है? ये अभी खुला है क्या? व्हाट? हेलो, अरे ये बॉल, यहाँ पे बॉल लगेगी वो। लेट्स गो, लेके जाते हैं इसे नीचे। इसमें भी ट्रेजर मिलेगी। ओ माय गॉड नहीं, ले भाई कर दिखाया आई थिंक मैंने। यस गिव मी द ट्रेजर। स्कल, आई लाइक इट। ज़ॉम्बी तो नहीं है। सेव। ओ भाई ये वही है जहाँ पे ट्रेजर है, वो गिटार वाला घर की कहाँ कहाँ रखा हुआ है भाई। मिस्ट्रेस डोना इज नाउ मदर मिरांडाज अडॉप्टेड डॉटर। इन ऑल माई ईयर्स आई हैव नेवर बीन दिस ओवरजॉयड। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैज़ ऑलवेज फियर्ड अदर्स ड्यू टू द स्कार अक्रॉस हर फेस। आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ शी लॉक्ड हरसेल्फ अवे एंड वुड ओनली टॉक टू एंजी, द डॉल हर फादर मेड हर। आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू मदर मिरांडाज इन्फनाइट कंपैशन। मिस्ट्रेस डोना सीम्स हैप्पी। It might be my imagination, but I feel like her doll Angie is even more lively than before. She came to me in the garden today and used Angie to talk with me. We had a mighty fine conversation. Something about receiving a gift of powers from Mother. Mistress Donna gave me yellow flowers and told me to plant them in the garden. I planted them in front of Miss Claudia's grave. I don't know if it was the scent of the flowers, but I felt lightheaded. Then, like a dream, I saw my departed wife.
I mentioned this to Donna and she seemed thrilled by it. She told me to go to the house tomorrow and see her. She said I could see my family once more. I'm not sure what she meant by that, but she's so kind. तो ये मिस डोना थी और उसकी डॉल एंजी. वो डॉल मेन विलन नहीं थी, वो लेडी थी वो ब्लैक क्लोथ में. ये तो भाई बहुत फन था सच में. ये ब्लू हो गया, नहीं व्हाट द हेल, ये अभी या वेट, ये अभी भी रेड है. ये रेड क्यों है बीबी भाई? आई हेट रेड. आई मीन कलर मेरा फेवरेट है वो, पर इस गेम में नहीं. इसमें मैंने, अच्छा हाँ यार वो गन मिस की हुई है. अभी हम जा रहे हैं वापस ड्यूक के पास और बैग वगैरह खरीद लेंगे या फिर चीज़ें बेच देंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ. वैम्पायर्स उड़ रहे हैं भाई दुनिया भर के, डिमोनिक वैम्पायर्स. तो जहाँ का भी बॉस ख़त्म होता है वहाँ पे ये वैम्पायर्स उड़ाने लग जाते हैं. हाँ ओ भाई स्कैरी भाई, डर गए हम तो. ये एनिमेशन में होते हैं तो आई थिंक मेरी बुलेट वेस्ट हो जाती है, फिर भी मरते ही नहीं भाई, मरते ही नहीं. और ज़ॉम्बीज, ओह गिव मी दैट. गिराओ भाई गिराओ, ज़ॉम्बीज गिराओ तुम. देखा एनिमेशन में होते हैं तो बहुत बुलेट्स लेते हैं ये. नाइस. अरे भाई इन्होंने तो दिमाग ही खराब कर रखा बिल्कुल ही. भर दूँ बाहर ही ना निकलन दूँ जमीन से. हाँ अच्छा है, नाइस. आई लव्ड इट भाई. कहाँ है मेरा ड्यूक ब्रदर? भाई आज बहुत माल पानी है. ए डॉल, डॉल ले रहा है वो. रुको पहले जरा. श्योर. ट्रेजर में हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, बाकी सब बेच सकते हैं हम. भाई स्कल कितना एपिक लग रहा है ना, चलो Welcome. बेच देते हैं. सो सिर्फ 28,000. ओ माई गॉड भाई वेरी नाइस. इसको रहने देते हैं और बाकी सब बेच देते हैं. ओ मीट नहीं बेचना, नहीं नहीं क्योंकि मीट का प्राइस. जस्ट अडोरेबल, अ गुड डील इफ आई से सो मायसेल्फ. श्योर. तो अब मेरे पास 91,000. डू यू हैव एनफ फायर पावर? आई कैन नाउ ऑफर एन एक्सपेंडेड वेपन मॉडिफिकेशन सर्विस. यस 14,000 शॉटगन की तो डेफिनेटली बढ़ानी है मुझे. फायर पावर बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लाइज में मेरे पास, व्हाट इज दिस, एक्सप्लोसिव राउंड्स, फ्लैश बैंग्स भी हैं. ये ले लेते हैं, ब्लूप्रिंट्स ले लेते हैं, बढ़िया है. कस्टमाइजेबल पार्ट फॉर अ शॉटगन ग्रेटली रिड्यूसेस रिकॉइल, डेफिनेटली. अरे इंप्रूव्ड ग्रिप, डेफिनेटली लगा लो. बस मैं सच बताऊं तो ये बैग भी लेना चाहता हूं. स्नाइपर राइफल की पावर बढ़ाने से अच्छा है पहले मैं बैग ले लेता हूँ. ये इम्पोर्टेंट है. यप गुड. अभी अपने पास बहुत स्पेस है. रुको. यस मेरे को कुक बताओ जरा, कुछ है मेरे पास? मेरे को फिश का मीट चाहिए. ऑलराइट फॉलोअर्स, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही. अब मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ. हमारे पास पैसा भी बहुत सारा आ रहा है पर खर्चा भी करना पड़ेगा बिकॉज हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा. हालांकि बॉसेस तो यू नो टुच्चे मुच्चे ही हैं, बालक है मेरे सामने. पेल पाल दे रहा हूँ मैं उन्हें. डॉल हमारी फिनिश हो चुकी है. अब हम आई थिंक उसके पास जाएंगे, वो अगली बंदे के पास, एंड देन हाइजनबर्ग के पास. आगे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा फन होने वाले हैं तो डोंट मिस दैट. और बाकी लीव अ लाइक ऑन द वीडियो यार, चैनल को बहुत हेल्प मिलती है. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. और बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.